अभी अभी बस से उतरने वाला, पेट एकदम गड़बड़ हो गया, सुबह से भूख लग रही है। आओ जेनी बैठो, बोले पीछे से गाड़ी वाड़ी मार के चली जाएगी तो। सड़क कितनी अच्छी है, लीन लीन है, लेकिन यार ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है यार। मेरे को सही में ट्रांसपोर्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, बस से आना जाना थोड़ा अजीब लगता है। बाकी बाइक तो लाया नहीं है, बाइक ले आता तो फिर दिक्कत ही नहीं होती। तो हम लोग आए अभी न्यू मार्केट, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो बारह लाख से क्या फोटो लो, यहाँ फोटो मत लो यार, बीच रास्ते में खड़ी करवा के गाड़ियाँ फोटो लेनी। बकवास फोटो लिया है यार, बकवास तो हो गया, आपको बोलना चाहिए था एक बार। लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर आए थे हमने, कब आए थे? लास्ट ईयर नहीं आए थे शायद, उससे पहले, उससे पहले आया था क्रिसमस के टाइम पे मैं। तो बहुत बड़ा इधर है ना सेंटा क्लॉज लगाया था। बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, सर से ही पूछ ले कुछ, सर को चाहिए कि नहीं। बंगाल के बाहर वाले बंदे बताएंगे कुड़ी टका का मतलब क्या होता है। कमेंट करके बताना कुड़ी टका, व्हाट इज कुड़ी टका। स्पाइडरमैन ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब इंडिया में भी स्पाइडरमैन आ गया, उधर ही तब से एक साल से उधर ही है ये, तो काफी सालों से है। एक साल से स्पाइडरमैन ऊपर ही है, मतलब नीचे उतरने की हिम्मत ही नहीं होती, बिल्डिंग इतनी छोटी छोटी है। ये न्यू मार्केट, मतलब कि 2200 शॉप मिलके बनाते हैं ना, पहले सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, मतलब कि टेक्सटाइल से लेके सब कुछ मिल जाता है। मैं लास्ट टाइम कुछ क्या खरीदा हमने, बोला बहुत कुछ खरीदा था, लास्ट टाइम बहुत कुछ खरीदा था, बैग वैग भी। अभी थोड़ा हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो अभी पता चलेगा आपको इन फ्यूचर, तो उसकी भी थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो बस बने रहो आगे, मिलता दिखाता हूँ आपको क्या करना है। जेनी के लिए ड्रेस देख रहे थे, कितना 750 रुपए बता रहे उसका। बार्गेनिंग मस्त होती है यहाँ पे बाबा डे, ये बोलते 300 रुपए दो तो और क्या, 300 में आ जाएगा वो पक्का, पता है ये नहीं देगा कोई और दे देगा थोड़ी, कितना अच्छा। Tú bailando me sirena, esta noche somos tú y yo. Dale rumbo mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí, somos los animales en esta safari. एक चीज़ मैंने नोटिस किया जब से मैं आया हूँ भाई साहब, लोग घूरते बहुत हैं, मतलब गंदी तरीके से घूरते हैं यार, ऐसा देखेंगे ही नहीं कि बंदा देख रहा है कि नहीं देख रहा, घूरते ही रहेंगे। ये चीज़ मैं मुंबई गया हूँ और दूसरे शहरों में गया हूँ ना, तो ये चीज़ नहीं नोटिस की मैंने, यहाँ बहुत घूरते हैं, यहाँ मतलब मेन मार्केट तक में लोग घूर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन क्या करें, गुजर है ना, ये हॉफ मार्केट है, न्यू मार्केट का हॉफ मार्केट, ये सबसे पुराना मार्केट है, धीरे धीरे ये स्प्रेड हुआ है, और जो 2200 शॉप बोल रही थी ना, वो धीरे धीरे बढ़ा है, पहले ही हॉफ मार्केट बना था, उसके बाद पूरा स्प्रेड होने लगा, अभी तो सबसे बढ़िया से बढ़िया दुकान, लाइक बढ़िया से बढ़िया शॉप, और लाइक बिगेस्ट शॉप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये रिक्शे यहाँ पर ही देखने मिलते हैं, बाकी तो खैर काफ़ी कम हो गए, मतलब कोलकाता में ही देखने मिलते हैं, बाकी तो कहीं मिलते नहीं देखने। काफ़ी रिच माहौल है यहाँ पे, मतलब ये जो बिल्डिंग है उनकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी और बेटर हो जाए तो ऐसा लगेगा लंदन में हो। काफ़ी यहाँ का जो बिल्डिंग वगैरह का जो स्ट्रक्चर है ना, काफ़ी रॉयल है, मैंने अभी आते हुए भी देखा है, ब्रिटिश नहीं बनाया था, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है या जो भी कंस्ट्रक्शन है ये ब्रिटिश के उस जमाने से ही बिलोंग करता है। हाँ तभी रॉयल्टी दिखती है थोड़ी इसके अंदर, इसके लिए मेरे को यही खरीदनी पड़ेगी है। जेनी कहाँ गई, बावली औरत, पहले BMW 1000 RR यही वाली खरीद लेता हूँ मैं, S2 खरीदूँगा, निंजा S2 खरीदूँगा। दिखाएंगे थोड़ा, कौन सा ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को यार, बस रियल नहीं ले यार, रियल गलत है यार,
अपने नाखूनों को निकाल के इंसान के नाखूनों को बेचा जाए तो क्या कैसा फील होगा? दुनिया पूरी बेची हुई है, बिकी हुई है, और क्या सभी चीजें बेचती है। छोड़ दो तो कोई ही है। बच्चा नहीं हो 2 साल का मैं। इतने टाइम बाद अभी कुछ खरीद पाया है। सेम ऐसा जैकेट खरीदा है, 550 बोला है लेकिन 500 में दे रहे हैं। पर ठीक है, ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और वो लोग भी कमाने बैठे हैं यार इसके लिए। तो अभी लिया है और एक वो क्या लिया, क्या ये बॉबर है, क्या बॉबर बम्पर, एक बम्पर लिया है। तो अभी अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ जा रहे हैं, तो बाकी तो मिलेगा वीडियो में देखने के लिए। ये अच्छा है कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है यहाँ पर। घूम फिर के हो गया है यहाँ पर, मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट है घूमने फिरने के लिए। प्राइस मैं कुछ ज़्यादा यह नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही सस्ता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है कपड़ों की। और मैंने शूज़ ले लिए हैं और शॉपिंग बहुत सारा कर लिया है। अभी अराउंड 2-3 जगह जाना है ना, अभी तो चालू है प्लानिंग, उसी के लिए प्लानिंग चालू है। अभी तक इतना तो पुलिस है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यार। ट्रैफिक के बीच में अभी ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना और कमेंट करना अपना, और कौन कौन सी जगह मैं एक्सप्लोर करूँ वो बता देना, क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ कुछ दिन। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।